ऐसा है कि डकैत के घर में डकैती हो गई है, और ये डकैत है कौन? तो चीन, जो दुनिया भर में चोरी करता था, अब उसके ऊपर बहुत बड़ी संकट टूट चुकी है। और ये संकट जो तबाही ला सकती है पूरे के पूरे संघाई में, उसको मात्र 10 बिटकॉइन यानी कि $2,00,000 में बेचा जा रहा है। बात भी साफ है, क्योंकि $2,00,000 में चीन का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। जहां एक तरफ ये हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन लड़ाई को क्या ताइवान भी लड़ रहा है? ताइवानी सैनिक वहां क्यों पहुंचे हैं, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कब तक चोर सिर्फ खुद ही चोरी करता रहेगा? कभी ना कभी तो उसके देश में भी, उसके घर में भी चोरी होगी, और यही चीन के साथ हो गया है। चीन अब तक दुनिया में ये रिकॉर्ड है जो चीजें एक्सपर्ट निकाल कर ला रहे हैं सामने। चीन ने किसी भी देश में एंट्री मारी ना, तो सबसे पहले उनका डेटा चुराना शुरू किया। अभी भी जो बहुत सारे एप्लीकेशन दुनिया भर में चीन के चल रहे हैं, वो यूजर्स के डेटा को चुराते हैं और चीन को भेजते हैं। अब डेटा चोरी से होता क्या है? जैसे कि अगर हमें पता चल जाए कि इस गांव में, इस शहर में रहने वाले लोग क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज के लिए है, किस चीज से वो भड़क जाते हैं, तो चाहे वो दंगा भड़काना हो या अपना माल बेचना हो, हर किस्म से फायदा मिलता है। आपको पहले से ही पता है इस जगह के लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे किस चीज पर, इसलिए डेटा बेहद महत्वपूर्ण है, और आज के समय में तो और भी ज्यादा, क्योंकि जब स्मार्टफोन वगैरह चलते हैं तो लोगों की रुचि, पसंद, नापसंद सबके विषय में पता चल जाता है, लोगों की सोच तक के बारे में पता चल जाता है। यही वजह है कि डेटा को जुटाता रहा है चीन, दुनिया भर से डेटा चोरी करता रहा है। अब तो दुनिया के कई देश तेज हो गए हैं और इन्होंने चीनी एप्लीकेशन को बैन करना शुरू कर दिया है। तब चीन ने दूसरा तरीका भी अपनाया और चीन दुनिया भर से स्मार्टफोन के कबाड़ जमा करने लगा। ये कबाड़ जो स्मार्टफोन के रूप में आते थे, लाखों के संख्या में ये चीन वापस पहुंचते थे। एक तो इन स्मार्टफोन कबाड़ से वो कई कंपोनेंट्स रीयूज करता था, और दूसरी बड़ी बात है कि इसके साथ साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी देश के नागरिक का बहुत आसानी से उस तक पहुंच जाता था। भारत में भी इस तरह के कई बातें निकल कर सामने आई है कि लाखों स्मार्टफोन जो कचरे के रूप में भारत से चीन गए हैं, और इनके साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लोगों की पर्सनल डेटा भी चली गई है। अब तक ये काम करता था चीन, लेकिन चीन के ऊपर भी कोई लगा हुआ है, और 1 बिलियन चीनी लोगों का डेटा इसके पास पहुंच गया है, और इसने अब बोली लगानी शुरू कर दी है, 10 बिटकॉइन दो, यानी कि करीब $2,00,000 दो और ये डेटा ले जाओ। डेटा कितना बड़ा है, तो कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये 23 TB का है, और साधारण भाषा में समझिए करीब 1 बिलियन चीनी लोगों का डेटा है। ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इनका फोन नंबर, इनका बैंक अकाउंट, इनका सारा डिटेल। अब इस शख्स को मिला कैसे ये सब? तो दरअसल बात यह है कि संघाई की जो पुलिस है, उनका अपना डेटाबेस है, और वो डेटाबेस बनाकर वहाँ संघाई के लोगों का इन्फॉर्मेशन रखते हैं। करीब 1 बिलियन चीनी लोगों का संघाई पुलिस ने इन्फॉर्मेशन रखा हुआ था, जिनमें बहुत सारे डिटेल थे, नाम, एड्रेस, नेशनल आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, क्राइम डिटेल, केस डिटेल, ये सब कुछ संघाई से हो गया है हैक। और चाइना डैन नाम के इस हैकर ने जहां चीन की सोशल मीडिया में ये बात डालनी शुरू कर दी है डेटा लीक की, तो वहीं कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी ये इसे बेचने को तैयार है। अब बेचने को तैयार है या बिक चुका होगा? जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई है, वैसे ही चीन एक्टिव हो गया है कि उसका डेटा किसी दूसरे देश के हाथ न लग जाए, और इसके लिए जो साइबर एजेंसियां हैं जहां से ये क्रिप्टो कॉइन का खेल हो रहा है, वो तुरंत ही
सोच में पड़ गई हैं और एक्टिव हो चुकी हैं, निकाल रही हैं, खंगाल रही हैं डिटेल कि क्या ये बिक गया है या अभी बिकेगा। आपको बता दें जो एक्सपर्ट है, टेक एक्सपर्ट, वो ये कह रहे हैं कि चीन के इतिहास में इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई थी जो इस वक्त हो गई है। खैर, कभी ना कभी तो मजा चखना ही पड़ेगा। आप भी इसी तरीके से करते हो तो एक बार आप भी चखो। इस दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब खबर निकल कर सामने से आ रही है और ये खबर है कि क्या ताइवानी सेना रूस के खिलाफ जंग लड़ रही है। आपको बता दें, रूस के खिलाफ जैसे ही रूस ने ये जंग छेड़ा था वैसे ही ताइवान ने विरोध जताया था। ताइवान ने सीधे सीधे कह दिया था कि रूस ये गलत कर रहा है, जिसके बाद रूस ने ताइवान को बैन भी कर दिया था कि कोई भी ताइवानी रूस से फायदा नहीं ले सकता है, वहाँ भ्रमण नहीं कर सकता है, कई तरह के अनफ्रेंडली कंट्री के लिस्ट में ताइवान को डाल दिया था। पर इस वक्त ताइवान खुद ही फंसा हुआ है। ताइवान की सरकार खुद अपने देश में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है, आम लोगों को एक खास तौर पे बुक दिया गया है कि जब युद्ध हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आप जान लीजिए। यहाँ तक कि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ये साफ किया है, इन्होंने कहा है कि ताइवान के साथ युद्ध होगा और चीन ताइवान पर हमला करेगा। अब जाहिर तौर पर अमेरिका बहुत मदद भी कर रहा है ताइवान की। वैसे बात करें सेना की तो चीन की एक्टिव सेना है 20 लाख और ताइवान की एक्टिव सेना है 1.7 लाख। वहीं रिजर्व सैनिक है चीन के पास 5.10 लाख। तो यहाँ पर ताइवान बाजी मार जाता है, रिजर्व सैनिक है 15 लाख। पर फाइटर जेट की बात करें तो जहाँ 1200 फाइटर प्लेन है चीन के पास, तो ताइवान के पास मात्र अपने 288 है। 912 हेलीकॉप्टर हैं चीन के पास तो 208 हेलीकॉप्टर हैं ताइवान के पास। बहुत सारे मामले आप देखेंगे, लगभग हर मामले में जो ताइवान है वो पीछे ही है। ताइवान चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन ताइवान अपनी तैयारी रख रहा है और ताइवान ने ये कहा था कि अगर हम युद्ध के लिए धकेले गए तो हम चीन को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, खास तौर पर औद्योगिक शहरों को, कि वो वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे आपको बता दें, ताइवान पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि फोन से लेकर लैपटॉप, घड़ियों से लेकर मोबाइल गेम तक, रोजमर्रा की कई ऐसे जरूरतें हैं जिसमें लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उसमें लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप ताइवान का सबसे बड़ा मार्केट है। अकेले ताइवान की एक ही कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC दुनिया भर की कुल सेमीकंडक्टर चिप का आधे से ज्यादा का प्रोडक्शन करती है। एक बार चीन का कब्जा होता है ताइवान के ऊपर तो आप समझिए इनके महत्वपूर्ण इंडस्ट्री पर चीन का कब्जा हो जाएगा, जो दुनिया के लिए सही नहीं है। और अभी दुनिया के दूसरे देश इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए हैं। पर इन सब क्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब विदेशी वॉलंटियर्स को मदद की अपील की थी, तब ताइवान ने अपनी कुछ सेना के लोगों को भी भेजा था और ये कहा जा रहा है ये खुद ही गए थे। दरअसल ये हासिल करना चाहते हैं वॉर लेसन, युद्ध सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका मदद कर रहा है, उस मदद का यूक्रेन कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हम मदद की अपेक्षा कैसे करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ताइवान जो कर रहा है वो सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।